दोस्तों 1325 के बाद एक बार फिर से लगने वाला है तुगलक का दरबार, जिसकी जानकारी आज इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करके सबको दी जा चुकी है। तो भाई कैसा है तुगलक के दरबार का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि विजय सेतुपति की आने वाली अगली फिल्म यानी कि तुगलक के दरबार के ट्रेलर से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने तुगलक के दरबार का ये रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आप इस फिल्म को कब कहां देख सकते हो। तो दोस्तों इस फिल्म का लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है OTT प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर 11 सितंबर को। और भाई इसका ट्रेलर आज जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है उसके माध्यम से सिंबॉलिकली ये मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरे इंडिया को कि भाई एक बार फिर से इंडिया में तुगलक ने जन्म ले लिया है, जो कि भैया अपने तुगलकी दरबार के माध्यम से लोगों को तुगलकी फरमान सुनाते नजर आएंगे। तो भाई इस बार इनके तुगलकी फरमान से क्या इंडिया के लोगों को बेनिफिट होगा या फिर इतिहास के पन्ने एक बार फिर से दोहराए जाएंगे इस फिल्म के माध्यम से। यानी कि भैया फिल्म का ट्रेलर बहुत ही दमदार है और भाई इस फिल्म में एक बार फिर से विजय सेतुपति दमदार परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी को जिस तरीके से इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर यानी कि दली प्रसाद दीनदयाल ने लिखकर डायरेक्ट किया है, उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक और बेहतरीन फिल्म के माध्यम से विजय सेतुपति लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार है। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर की तरह इस फिल्म का स्टार कास्ट भी बहुत ही दमदार है। यानी कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं वो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया इस फिल्म में विजय सेतुपति तुगलक का किरदार निभाते नजर आएंगे। उसके बाद इस फिल्म में नजर आएंगी राशि खन्ना, प्रतिभन, गायत्री, मंजिमा मोहन और बागवती पेरूमल। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का स्टार कास्ट बहुत ही दमदार है और भाई फिल्म का ट्रेलर भी बहुत ही यूनिक है। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया आप ये पाओगे कि सिंबॉलिकली एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भैया पूरी दुनिया शांत खामोश और भैया इस बात से अनभिज्ञ है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म एक बार फिर से होने वाला है। यानी कि भैया पहले शॉट में आप देखोगे कि एक शहर का एक एरियल शॉट लिया गया है। यानी कि भैया एरियल शॉट मतलब टॉप शॉट लिया गया है ड्रोन के माध्यम से। उसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है जिसे किसी के हाथ में सौंपा जाता है। उसके बाद उस बच्चे के पिता जो है उस बच्चे को लेकर आते हैं जनता के पास में, जिसके माध्यम से वो सबको बताते हैं कि भाई मेरा वारिस जन्म ले चुका है। और उसके बाद भैया नजर आते हैं विजय सेतुपति अपने हाथ में झाड़ू लेकर, यानी कि वो एक शहर की तरफ देखते नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में जो झाड़ू है के माध्यम से वो सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो इस झाड़ू के माध्यम से शहर में फैली हुई गंदगी को साफ करेंगे अपने तुगलकी फरमान के माध्यम से। यानी कि भैया ट्रेलर बहुत ही दमदार और बहुत ही पेशी लग रहा है और इस फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार भी बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो दोस्तों वाकई में कॉन्सेप्ट तो बहुत ही दमदार है। तो भाई अब देखने वाली बात यह है कि अब जब विजय सेतुपति तुगलकी दरबार लगाएंगे तो भैया इनका यह तुगलकी दरबार लोगों को कितना पसंद आता है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको विजय सेतुपति की आने वाली इस फिल्म यानी कि तुगलक दरबार का यह ट्रेलर कैसा लगा। और भाई इसके साथ इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आपको और दे दूं कि भैया ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।